हूँ। कैसे हैं आप लोग? अल्लाह का करम है कि आप लोग सब खैरियत से हैं। और जैसे मैंने हमेशा आपको बताया था कि मैं सारे स्पाइस सारे मसाले घर में खुद बनाती हूँ, और मैंने हमेशा आपसे कहा था, एक वादा किया था कि एक सेशन हम मसालों का रखेंगे। तो इस बार मैंने आपके लिए मसालों का सेशन रखा है, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि मैं किस टाइप के किस तरह के मसाले कितनी क्वांटिटी में लेकर घर में बना के रखती हूँ, कितने दिनों के लिए। ठीक है, और चलिए शुरुआत करते हैं। पहले मैं बनाऊंगी चाट मसाला, क्योंकि घर में चाट मसाला जो है वो सब चीज में लगता है। जैसे हमें कुछ भुना बनाना है, या फिर चना मसाला बनाना है, या फिर पूरी ये मसाला पूरी बनानी है, या फिर कोई भी चाट जैसे कि आलू टिक्की बनानी है, या फिर नानचाप बनाना है। वेज नॉन वेज दोनों में हम इसे शामिल कर सकते हैं। हमारे टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि हम इसे किस तरह से बनाएं। और मैं तो ऑलमोस्ट सब में इस्तेमाल करती हूँ, ज्यादातर वेज में तो टोटली इस्तेमाल करती हूँ, सारे चाट्स में, और रमजान में स्पेशली ये मेरे राइट हैंड में होता है, क्योंकि मुझे हर चीज के लिए इसलिए अवेलेबल चाहिए ही चाहिए। और चलिए देखते हैं कि इसमें क्या क्या लगेगा और किस तरह से हमें इसको बनाकर रखना है। अब ये देखिए चाट मसाला, 50 से 60 ग्राम जीरा है, जैसे ये देखिए एक छोटा सा ग्लास जीरा। चाट मसाले में ऐसा होता है कि किसी किसी को किसी चीज़ का फ्लेवर ज़्यादा अच्छा लगता है, और किसी को कम तीखा ज़्यादा अच्छा लगता है, तीखा कम। ये देखिए ये तीखी वाली मिर्ची है, मैंने ये एक ट्रे ले ली है इसमें, और ये अक्खा धनिया ये ज़्यादा लिया है। ये चाट मसाला मैं पूरे रमज़ान में मेरे राइट हैंड के पास रहता है, इसे मैं अपना कुकिंग में सीधा हाथ कहूँगी, क्योंकि दही बड़े पकौड़े चना जो डेली मेरे घर में बनता है, चना किसी भी टाइप का हो, किसी भी स्टाइल से मैं चना बनाऊँ, तो उसमें ये मसाला पड़ता ही है। और ये डब्बा मैं मतलब एक बाउल में चम्मच के साथ रखती हूँ, तो ऊपर से डाल के भी बच्चे और मेरे हस्बैंड शौक से खाते हैं। मेरी कई फ्रेंड्स हैं जिनको, और मेरे कितने कज़िन्स हैं, मेरी बहनें हैं, उन सब की फरमाइश होती है कि अगर आप बना रहे हो तो हमारा भी आप ही बनाइए, क्योंकि आपके हाथों का अच्छा बनता है, उनका उनका ऐसा मानना है। और कितने लोगों ने तो रेसिपी लिए हैं और माशाल्लाह वो लोग अपने घर में बनाते हैं और मुझे बहुत दुआएं देते हैं, तो आप भी दुआएं दीजिए और ज़रूर बनाइए। देखिए ये अक्खा धनिया मैंने ज़्यादा लिया है, ये देखिए, क्योंकि इसका जो फ्लेवर होता है ना ये बहुत बेहतर होता है। और ये काली मिर्च, ये बस हम इतना ही लेंगे, देखिए काली मिर्च है ये, ठीक है ना। ये अजवाइन, अजवाइन देखिए थोड़ा सा, होल लाल मिर्च, तीखी वाली जीरा, और ये बड़ी सोप, और ये है आमचूर का पाउडर, मैंने आमचूर का पाउडर ले लिया। ये भी जिस जहाँ से मैं मसाले लेती हूँ उन लोगों का ये बनाया होता है खुद का, बहुत बेहतरीन होता है। ये आमचूर पाउडर मैंने ले लिया है, पूरा इसमें जाएगा। ये मैंने 25 ग्राम ले लिया है, समझ जाइए अगर ये 25 ग्राम है तो ये भी 25 ग्राम है और ये भी 25 ग्राम है, बाकी ये 20 ग्राम, ये भी 25 ग्राम है, ये 20 ग्राम है, और ये 10 ग्राम है, ये 5 ग्राम है, 5 ग्राम अजवाइन, 10 ग्राम ये, 20 ग्राम अक्खा धनिया, 20 ग्राम लाल मिर्च, 20 से 25 ग्राम जीरा, 20 ग्राम बड़ी सौंफ, और ये 25 ग्राम आमचूर पाउडर। ये सब मैं इसमें काला नमक डालूंगी और सफ़ेद नमक भी डालूंगी। अपने जायके के हिसाब से जितनी मुझे नमक की ज़रूरत है, जैसे कि मैं इस मसाले में ये प्याली भरकर, ये छोटी प्याली भरकर नमक डालूंगी, तो इसमें आधा मैं काला नमक डालूंगी और आधा सफ़ेद नमक डालूंगी। जब मैं इसको हल्का सा पहले कढ़ाई में भून लूंगी, ये आमचूर पाउडर नहीं डालूंगी, इन सब चीज़ों को डालूंगी मैं, ज़ीरा सौंफ अक्खी लाल मिर्च धनिया काली मिर्च और ये अजवाइन, इसको धीमी आंच पर एकदम हल्का सा खुशबू आने तक, इसको एकदम कलर चेंज नहीं करना है। अगर किसी भी मसाले का आपने कलर चेंज किया
तो मसाला कड़वा हो जाएगा। ध्यान रहे सिर्फ खुशबू आनी चाहिए, हो सके तो जाड़े तवे में इसको भुनिए और बहुत ही हल्के और बहुत ही धीमी आंच पे। और उसके बाद जैसे ये हो जाता है, रूम टेम्परेचर में ठंडा हो गया, तो इसमें ये पैकेट ये शामिल कर लें और इसमें नमक भी शामिल कर लें और फिर सब साथ में पीस लें, मिक्स करके सब साथ में पीस लें और डब्बे में भर के रख दीजिए। ये हो गया आपका चाट मसाला। आप इसमें भजिए बना सकते हैं, पकोड़े बना सकते हैं, चना चाट बना सकते हैं, दही पूरी, रगड़ा पूरी, चटनी जो बनाती हूँ गुड़ इमली की चटनी, उसमें भी एक चम्मच डालती हूँ। बहुत जायकेदार टेस्ट होता है इसका, मैं आपको क्या बताऊँ। जब आप खुद बनाएंगे तो आप यकीन करेंगे। और दही भरे मीठे हो तीखे हो, थोड़ा सा मीठे वाले में भी स्प्रिंकल करती हूँ मैं। रोल वगैरह बनाती हूँ उसमें भी डालती हूँ, मतलब बहुत ही। और नान चाप, रमज़ान में जो नान चाप बनते हैं ये उसमें भी डालती हूँ मैं। और हरीसा, हरीसा जब बनता है तो मैंने बताया था कि मैं दस्तरखान में मेरे पास एक डब्बी होती है जिसमें मैं डाल के रखती हूँ और इससे हम लोग स्प्रिंकल करते हैं, या फिर चम्मच से रगड़ा वगैरह जो होता है, रगड़ा, चना बटाटा, चना मसाला, छोले, तो ये सब में तो मेरे हस्बैंड को ये ज़्यादा ही चाहिए। जितना मैं डालती हूँ उनके लिए काफ़ी नहीं होता है, वो उसको प्याली और चम्मच लेकर उसको रखना पड़ता है, फिर वो ऊपर से अपने अंदाज़े से डालकर और खाते हैं, तो उन्हें मज़ा आता है। तो आप लोग भी ज़रूर बनाइए इसको, रमज़ान शरीफ नज़दीक है, तो मैंने सब मसाले आपको बता दिए हैं, आप ज़रूर घर में बनाइए। बाहर के मसाले खरीदने से बहुत ज़्यादा बेहतर है कि हम घर में अपनी आँखों के सामने अच्छे वाले प्रोडक्ट लेकर अच्छी तरह साफ करके सुखा के भून के और इसको पीसेंगे, ठीक है ना। अगर आप चाहें तो इसको धूप दिखा कर भी, आपके पास बहुत वक्त है अभी, आराम से इसे अच्छी धूप दिखा के फिर उसके बाद उसे भुने और फिर उसके बाद उसे पीस कर रखें। गरम गरम ना पीसे, थोड़ा रूम टेम्परेचर पे आने दें उसके बाद पीसे। आप इसे नोट कर लीजिए और दुआओं में याद रखिए। ज़रूर बनाइए, कमेंट में बताइए आपको ये मसाले कैसे लगे, क्योंकि खाना बनाते वक्त तो अभी रमज़ान ही नहीं, हम लोग बीच में भी कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं। आप अगर चना बना रहे हैं या फिर कुछ और चीज़, दही बल्ले बना रहे हैं, तो इसमें आप इसको बेझिझक जैसा मैंने बताया है, जो जो मैंने बताया है उसी को पीस कर आप रखिए और उसको डालिए और मुझे फीडबैक दीजिए कि आपको ये मसाले कैसे लगे। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में, नई चीज़ों के साथ, नई बातों के साथ और नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू। और ये है चाट मसाला, चना, रगड़ा पेटीज, दही पूरी, पानी पूरी, इमली की चटनी या कोई भी चाट या भुना अचारी जो बनाएंगे हम लोग, पनीर या कुछ भी, इसके लिए देखिए ये भी मैंने भर कर रख लिया है।